एक ये सवाल किया था कि तरावी जो है वो खवातीन बैठकर पढ़ सकती हैं कि नहीं। जी देखें, फराइज में और वाजिबात में क़याम फ़र्ज़ होता है, बाकी सुनन नवाफिल में क़याम फ़र्ज़ नहीं है। तो अगर कोई बहन, बेहतर तो यह कि खड़े होकर पढ़ें, पूरा सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वो थकी हुई हैं तो बैठकर भी तरावी पढ़ सकती हैं, उसमें सवाब निसफ होता है लेकिन शरत सवाब हासिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा गया साहब के अब चूँकि गर्मी का मौसम है कराची में, बहुत शदीद गर्मी है, ऑफिस वाले ऑफिस भी जाते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो ऐसे में बार बार अगर मुंह धोया जाए या सर पर पानी डाला जाए या ये है कि नहा लिया जाए, तो क्या इसमें भी कोई हालत रोज़ा पे कोई फ़र्क इससे मतलब? दो चीज़ें होती हैं, एक तो रोज़े के साथ बेजारियत का मामला हो और फिर इस तरह का अमल किया जाए, अच्छा, तो ये खिलाफ सुन्नत और मकरूह होगा। अच्छा, लेकिन अगर रोज़े में तकवियत हासिल करना मकसूद है कि गर्मी से रोज़ा बहुत ही भारी हो रहा है, सख्त हो रहा है, और मतलब बाद शैतान हमलावर हो जाता है कि यार रोज़ा ना रखो तो बेहतर है, खुसूसन तालिब इल्म जैसे अभी एक दो रोज़े छोड़ देते हैं आगे रख लेंगे। जी हाँ, तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इस तरह की तदबीर इख्तियार करना ताकि इबादत की अदायगी में आसानी रहे। ये तो वसवसा शैतानी है, वसवसा नफ्स को काटने वाली सूरत है और इस पर इंशाल्लाह सवाब का तरतुब होगा।